पिछले दिनों अकोला के गोरक्षण रोड पर देर रात एटीएम मशीन को काटकर 64,50,000 कैश लेकर आरोपी फरार हो गए थे। अकोला के एसपी संदीप धुके ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एलसीबी की कई टीमें और इसमें लगाई थी। अकोला पुलिस केस में 12 दिन बाद सफलता प्राप्त हुई और इस दौरान इस शातिर प्रोफेशनल गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 50,000 की नकदी बरामद की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अकोला के गोरक्षण रोड पर देर रात एटीएम मशीन को काटकर 64,50,000 कैश लेकर आरोपी फरार हो गए थे। अकोला के एसपी संदीप धुके ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एलसीबी की कई टीमें इसमें लगाई थी। अकोला पुलिस केस में 12 दिन बाद सफलता प्राप्त हुई है और इस शातिर प्रोफेशनल्स ग्रुप के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 50,000 की नकदी भी बरामद की है। तो एटीएम लूटने वाले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी। तो एटीएम मशीन को काटकर करीब 64,50,000 का कैश लेकर आरोपी फरार हो गए थे। वहीं एसपी संदीप धुके ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमों का गठन किया। इसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है, आरोपी से पूछताछ कर रही है और कई आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में जल्द आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि करीब 12 दिन की बाद पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। एटीएम चोरी हुई थी, उस चोरी में आज अकोला पुलिस ने हरियाणा से एक आरोपी को ताबे में लिया है। उस आरोपी से उस एटीएम चोरी में जो 16,54,000 चोरी हुई थी उसमें से 50,000 रिकवर किए हैं। एक आरोपी पकड़ा गया है, उससे जो गुना में गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो हुंडई क्रेटा गाड़ी भी पुलिस ने अपने ताबे में ली है। जल्दी बाकी भी इस गुना में जो 4 आरोपी है उनको भी पकड़ा जाएगा और बाकी जो चोरी हुई कैश है उसकी भी रिकवरी करने की पूरी कोशिश पुलिस डिपार्टमेंट